पटवारी लेखपाल परीक्षा शुरू होते ही आक्रामक हुए सीएम पूछे पांच सवाल नकल माफिया को नासूर किसकी सरकार ने बनने दिया क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल माफिया गिरोह के सदस्यों और इसमें संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों को जेल की सलाखों में डाला अब तक जेल जा चुके साठ से अधिक आरोपियों की संपत्ति जब्त कर उन पर गैंगस्टर जैसी सख्त धाराओं में कार्रवाई कौन कर रहा है गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही किसने चार परीक्षाएं रद्द की अब कौन पारदर्शी तरीके से पेपर करा रहा है शिकायत मिलने के छः माह में किसकी सरकार ने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किए हैं इस बार छः दशमलव पाँच प्रतिशत घट गए परीक्षार्थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या घट गई है आठ जनवरी को हुई परीक्षा के मुकाबले छः दशमलव पाँच प्रतिशत कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है वहीं आयोग का कहना है कि जल्द ही परीक्षा की आंसर की जारी की जाएगी बीती आठ जनवरी को हुई पटवारी लेखपाल की परीक्षा एक लाख चौदह हज़ार अभ्यर्थियों ने दी थी और ये परीक्षा एक लाख तीन हजार सात सौ तीस अभ्यर्थियों ने दी है अपवाह फैलाने पर कार्रवाई आयोग लोक सेवा आयोग और प्रशासन के अधिकारी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बधाई के पात्र हैं सरकार परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बना चुकी है यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान कई जगह युवाओं ने प्रश्न पत्र की सील्ड टूटी होने की शिकायत दर्ज कराई है साथ ही ओमआर सीट प्रश्न पत्र के पैकेज से अलग पकड़ाने पर भी सवाल उठाएं हालांकि आयोग सचिव ने इसे सामान्य करार देते हुए कहा कि कुछ लोग गोपनीयता को लेकर ऐसी झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज पटवारी लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान पेपर की सील खुली होने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में पुलिस ने एक अभ्यर्थी उसके साथी व कुछ न्यूज पोर्टल के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत परदेश का पहला मुकदमा दर्ज किया गया है आयोग में दर्ज कराई पेपर सील टूटने की शिकायत पेपर को लेकर निजी कॉलेज में हंगामा गोपेश्वर में सील पेपर नहीं मिलने पर आपत्ति पिछली परीक्षा के मुकाबले घट गई अभ्यर्थियों की उपस्थिति आठ जनवरी की तुलना में सात प्रतिशत कम रही अभ्यर्थियों की संख्या